नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय केसी न्यूज़। इस वक्त की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सेक्टर 5 पंचकुला से, जहां अभी अभी साइकिल मैराथन कंप्लीट हुआ है और आज महिला दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस आज मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल वुमेन डे के नाम से आज के दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। वहीं हम आपको बता दें कि इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ आगे आया था। 8 मार्च 1975 को पहली बार आधिकारिक तौर पे इस दिन को मनाया जाना चालू किया गया है। आज पंचकुला महिला थाने में इस दिन को सेलिब्रेट किया गया, साइकिल मैराथन को कंप्लीट किया गया। चीफ गेस्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस सौरभ जी और अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। मेरा नाम उषा शर्मा है और मैं प्लस 82 ईयर्स हूँ। मैं तो इस दिन का आजकल ये मतलब मैं शुरू से मैं बता रही हूँ कि ज़मीन से लेके अब आसमान पे पहुँच गया है। मतलब हम तरक्की पे है बिल्कुल। औरतों की जो हमारे अधिकार हैं, पर फिर भी एक है पॉइंट वो शहरों में तो बहुत है, पर शायद गांव में कुछ ज़्यादा इस चीज़ की अब थोड़ा सा पीछे है, तो उनको उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये नन्हे कदम क्या है मैम, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए दो शब्द। नन्हे कदम एक एनजीओ है जो हम 12 साल से अंडर प्रिविलेज लेडीज़ और बच्चों के लिए चला रहे हैं। उसमें हम बच्चों की जो है स्लम के बच्चे हैं उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ और उनकी स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हैं। लेडीज़ के लिए हम स्किल डेवलपमेंट, वुमन एम्पावरमेंट, उनके हाइजीन पे और उनको स्टिचिंग कोर्सेज, ब्यूटी कोर्सेज और दिया पेंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग ऐसे कोर्सेज कराते हैं, सो दैट के ये जो सोसाइटी है इन बच्चों को सड़कों पे ना जाएं भीख मांगने या नशों में ना पड़े, उन चीज़ों से बचाने के लिए, चोरी से बचाने के लिए इन लोगों के लिए हमने मुहिम 12 साल से चलाया हुआ है, जिसमें कि हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ऑल ओवर इंडिया हम काम कर रहे हैं। अभी कल ही हमने एक ब्रेस्ट कैंसर कैंप भी लगाया बठिंडा में, और अभी और भी छोटे छोटे हमारे के बच्चों की फीसें हम स्पॉन्सर करते हैं, जिसमें कि कई बच्चे होते हैं प्राइवेट स्कूलों में जाना चाहते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं पर वो फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, वो भी हम देते हैं। मेरे साथ काफ़ी सारे हमारे वॉलंटियर हमें हेल्प करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, बहुत सारे रॉटेट जुड़े हुए। इस समय तो हमारी 10-15 बंदों की टीम बनी हुई है पूरी, बाकी हमारे साथ इस सारे रोटरी क्लब हैं और काफ़ी हॉस्पिटल्स और डॉक्टर सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, का बहुत सहयोग मिल रहा है जो कि हमें आगे बढ़ने में काम आता है। इन लोगों के लिए जो फ्री सेवा कर रहे हैं सारे, वो सबसे एक बड़ा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाकी सब दुनिया पैसे से खरीद सकती है। हिफाजत लॉन्च हो चुका है बाल हाँ के ऊपर, वहीं देखा जाए तो नन्हे कदम ऑलरेडी 12 साल से एक्टिव। हाँ जी, तो क्या लगता है आपको कि जैसे बाल शोषण के विरुद्ध अब हिफाजत भी मार्केट में काम करने लगा है, तो नन्हे कदम उनके साथ क्या कदम से कदम मिला के चलेंगे? जरूर जी, कदम से कदम हम जरूर मिलाएंगे, क्योंकि इन बच्चों की हिफाजत करना हमारा एक फ़र्ज़ है और हमारी सोसाइटी और एक देश के लिए मेरे ख्याल से इससे बड़ा नोबल कॉज कोई हो नहीं सकता। अभी यह नाम इनको हर जगह से इनको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इनको सारी चीज़ें दिखाएं और बचाएं और इन चीज़ों से, ताकि इन बच्चों के साथ कोई भी ऐसा गलत काम ना हो, ताकि 12 साल से इस मामले में एक्टिव हैं। एक बात जरूर जानना चाहूँगा, क्या लगता है आपको कि किसकी कमियां हैं जिसकी वजह से छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं सड़कों पर भीड़ लगा रहे हैं? ये कमियां तो हम लोगों में ही है, सोसाइटी ने क्रिएट की हुई हैं। हम लोग इनको पैसा देना बंद करके, पैसा ना दें इनको कभी भी कोई भी। कई बार ऐसा भी सुनने में आया कि ये कुछ गलत लोग होते हैं, जो गलत लोग इसीलिए डेवलप होते हैं जी। हम लोग पैसा देते हैं, हम लोग पैसा देना बिल्कुल बंद कर दें, हम उनको खाने को दें, कुछ भी दें, जहाँ उनको बूस्ट करें भी चलो हम पढ़ाएंगे। जिस दिन इनका पैसा टोटली जाना बंद हो जाएगा तो ये गैंग भी बंद हो जाएंगे। ये गैंग पलते सिर्फ पैसों के लिए है, क्योंकि इन लोगों से ये भीख मंगवा के पैसे, कभी कोई बच्चा पकड़ा दिया या कोई हैंडीकैप कर दिया, वो इन्हीं लोगों से बूस्ट मिलता क्योंकि इनको पैसे मिल रहे हैं। प्रशासन को क्या कहता है? प्रशासन को यही है भी हम सब मिलके एक मुहिम चलाएं भी, बैगर्स को पैसा नहीं देना, बैगर्स को खिलाओ पिलाओ, उनको पूछो उनको, और उनकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कोई ना कोई गवर्नमेंट के साथ सरकार ने कदम उठाती है क्राइम फ्री स्टेट बनाने का, और भी बहुत सारी बातें। हमें लगता है कि बैगर्स फ्री के लिए भी हमें कोई कैंपेन चलाना चाहिए? नहीं, चलाना चाहिए जरूर बैगर्स फ्री के लिए। उसमें हमें गवर्नमेंट को करना चाहिए कि हम जहाँ भी बैगर्स हैं
उनको एक जगह हम अपने पास लाएं, उनको बैठाएं और उनको एक स्किल डेवलपमेंट या कोई ऐसी चीज़ें सिखाएं जिससे कि उनकी लाइफ बन जाए और इन चीज़ों से वो बाहर निकल पाएं। वो तभी निकलेंगे जब हम सारे मिलके एक मुहिम चलाएं और ये बिल्कुल पैसा देना बंद करके उनकी पर्सनल उनको प्रॉब्लम्स पूछ के और उनकी हम स्किल डेवलपमेंट उनका रहने का। गवर्नमेंट के पास बहुत ऐसी है ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इनको बच्चों को जो है फ्री एजुकेशन दी जाती है, जैसे स्किल डेवलपमेंट में वो कंप्यूटर्स क्लासेस लगाते हैं, ब्यूटी क्लासेस सिखाते हैं और स्टिचिंग की क्लासेस लगाते हैं जो कि इनकी स्किल डेवलपमेंट जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से सेंटर में भी चलती हैं। तो उन चीज़ों से मेरे ख्याल अभी जब भी कोशिश की जाए तो सारे मिलकर हम इस बैगर को ख़त्म कर सकते हैं। इस चीज़ में इतनी बड़ी कोई बात नहीं है अभी जो चीज़ हम कर नहीं सकते, सब मिलें, गवर्नमेंट भी मिले, प्राइवेट भी मिले, तो हम मिलके ये चीज़ें ख़त्म कर सकते हैं। और आज मेरी रिक्वेस्ट यही है भी प्लीज़ बैगर्स को पैसा देना बंद करके आप उनको खाने को दो, उनको बैठाओ, उनको आप जितनी नौकरी मिल सकती है कुछ काम करवा सकते हो तो वो काम दो उनको, सो दैट वो काम करके कुछ आगे बढ़े तो वो अपने आप इन चीज़ों से बाहर। आज हम एक को करेंगे, एक आगे बढ़ेगा वो दो को और बताएगा, 10 को, ऐसे चेन बन जाएगी तो अपने आप ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और नन्हे कदम तो हमेशा ही तैयार है इन बच्चों के लिए काम करने के लिए। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर आप क्या समझते हैं? महिलाओं की सशक्तिकरण को लेकर देखो आज महिलाएं ही महिलाएं दिखाई दे रही हैं हर हर जगह। अब महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर, महिलाओं की इंडिपेंडेंसी को लेकर हर जगह महिलाओं को शक्ति चाहिए कि हमारे जितने भी हैं। देखो हमने यहाँ पे दुर्गा शक्ति हमारी है और 112 हमारा डायल है, तो हमारी पूरी तरह से हम इस तरह के लिए तैयार हैं कि हमारी वुमेंस में कोई दिक्कत ना आए, वुमेंस के लिए कोई दिक्कत ना आए।